अफ्रीका के सवाना, मैदान और दलदल, जहां कभी हजारों लाखों राइनो रहा करते थे। क्रमिक विकास का इनका सफर तकरीबन 5 करोड़ साल लंबा रहा है और ये बात इन्हें स्तनपाई जीवों की सबसे कामयाब प्रजाति बनाती है। पर अब हालात बदल गए हैं। ये सींग जिनसे ये खुदाई करते हैं, संवाद और लड़ाई करते हैं, ये इंसानों के लिए कीमती बन गए हैं। दवाओं और गहनों में इस्तेमाल होते हैं। आज की तारीख में राइनोस के ये सींग सोने की तरह कीमती हैं। और यही सींग इनके शिकार का कारण भी बन गए हैं। युगांडा का आखिरी राइनो 1983 में मारा गया था। यहां बाहर से राइनो को लाकर बसाया गया और अब इनकी तादाद 33 हो चुकी है। इनमें एलियास और मलाइका भी शामिल हैं। शिकारियों से इनकी रक्षा करने के लिए युगांडा के राइनो फंड के पहरेदार लगातार नजर रखते हैं। हर 12 घंटों में शिफ्ट बदलने से पहले पहरेदारों को अलग अलग राइनोस पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। हर राइनो का एक नाम है और उसकी जिंदगी का सारा ब्यौरा यहां दर्ज किया जाता है। सुबह और शाम ठीक 7 बजे पहरेदार एक शिफ्ट खत्म करते हैं और दूसरी शुरू करते हैं। पहरेदार यहां लगातार नजर रखते हैं और कहीं झाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं। नौ बरस की मलाइका और 2 साल का एलियास इनकी पैनी नजरों के बीच पल रहे हैं। मलाइका बीते 28 सालों में युगांडा में पैदा हुई पहली फीमेल राइनो है। इसके कानों पर निशान लगा दिए गए हैं ताकि इसकी पहचान की जा सके। मलाइका तीसरी बार मां बनने वाली है और 16वां महीना चल रहा है। किसी भी पल ये बच्चे को जन्म दे सकती है। एलियास के लिए अपने किसी भाई बहन का पैदा होना बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। उसने अभी तक की अपनी सारी जिंदगी माँ के साथ ही बिताई है और पूरी तरह से माँ के दूध पर ही निर्भर रहा है, पर अब ये दिन भर में 50 किलो घास खाता है और ये इसका पसंदीदा खाना है। यहाँ न खाने की कोई कमी है न पानी की। युगांडा के राइनोस का ये पार्क एक विशाल दलदल के पास है। यहाँ लुगोगो नदी का पानी आता है। ये रेयर शूबिल के लिए एकदम सही इलाका है। इन छोटे छोटे पोखरों में कई जीव पलते हैं। राइनो की मेहनत की वजह से पानी का पोखर सभी के लिए खुल गया है। यह अलग बात है कि उनके आने पर बाकी सबको यहां से भागना पड़ता है। सभी व्हाइट राइनोस की तरह मलाइका और एलियास को कीचड़ में लोटना पसंद है।
कीचड़ सनस्क्रीन का काम करता है, बदन ठंडा रखता है और परजीवियों को हटा देता है। कीचड़ में नहाने का ये वक्त परिवार का वक्त है। वो वक्त जब माँ बेटे लाड़ जताते हैं। नहाने के बाद अब चमड़ी की देखभाल कर ली जाए, पेट खुजा लिया जाए। दो सेंटीमीटर मोटी चमड़ी को खुजाने का यह शानदार तरीका है। बुल राइनो आ गया है। ये है मोजा। इसे कीनिया से यहां लाया गया था। कोई भी युवा राइनो इसे खतरा लगता है, क्योंकि आगे चलकर ये मुखिया बनने के लिए इसे चुनौती दे सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो मलाइका अपने बेटे को बचाएगी। लेकिन मोजा कीचड़ में लौट रहा है और मलाइका चुपचाप ये सब देख रही है। शायद ये इलियास के लिए ये जिंदा बचे रहने का सबक है। दबंग नर राइनोस से बचो। इससे काम बन गया है। मोजा यहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर पूरब में केनिया के ऊंचे इलाकों में पैदा हुआ था। यहां 400 सफेद और काले राइनो रहते हैं। यहां बहुत जोरदार सूखा पड़ा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से यहां महीनों से बारिश नहीं हुई है। यहां कीचड़ में लौटना मुमकिन नहीं है। वयस्क राइनो कई दिन बिना पानी के रह सकते हैं। लेकिन इस सूखे ने पहले राइनो की जान ले ली है। सफेद राइनो घास खाकर जिंदा रहते हैं और सूखा इनकी जान सबसे ज्यादा लेता है। काले राइनो कुछ भी खा लेते हैं। ये तरह तरह के पौधे खाकर पेट भरते हैं। लेकिन अब बारिश ना होने से इन्हें भी दिक्कत होने लगी है। खास तौर पर बच्चे पाल रही माओं को तो पानी चाहिए। कम से कम दिन में एक बार इन्हें यहां पानी के बचे खुचे स्रोत तक जाना पड़ता है, इस नदी तक। इसके खड़े किनारे खतरनाक हैं। छोटे ज्यादा फुर्तीले जानवरों को यहां हमलावरों पर नजर रखनी पड़ती है, जबकि भारी भरकम जानवरों को संभाल कर कदम रखना पड़ता है। ये दलदल में भी फंस सकते हैं। भैंसों की तादाद जितनी ज्यादा होती है, ये उतने सुरक्षित रहते हैं।
माँ राइनो अक्सर अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। वो दिन भर में 70 लीटर पानी पी लेती है, बशर्ते कोई उसके सुकून पर नजर ना लगाए। सूखे के वक्त सबसे ज्यादा फायदे में होते हैं गोश्त खाने वाले जीव, क्योंकि इनके शिकार लगातार कमजोर होते चले जाते हैं और इनकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। जब शेर दहाड़ता है तो हर किसी का इस पर ध्यान जाता है, यहां तक कि राइनोस का भी। हालांकि एक वयस्क राइनो को शेर से डरने की जरूरत नहीं होती, वैसे भी शेर के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। मध्य युगांडा में सूखा नहीं पड़ा है, लेकिन यहां गर्मी की तपेश बहुत ज्यादा है। इसका नतीजा हो सकता है ये। जंगल की आग, गर्म हवाएं जंगल को एक भट्टी में बदल देती हैं। इससे पहले कि आग का असर किसी राइनो पर पड़े, जंगल के पहरेदार आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मामूली तरीकों से वो आग को बुझाने में कामयाब हो गए हैं। जलने की वजह से जमीन काली पड़ गई है। लेकिन ठीक तभी मलाइका लौट आई है और वो झुलसी हुई टहनियों को मजे से खा रही है। एलियास कुछ तय नहीं कर पा रहा है। हालांकि मां सबको जानती है, पर इसे कैसे खाएं? ये जो झुलसी हुई घास है, ये गर्भवती मादा राइनो को बहुत मजेदार लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि गर्मी से पोषक पदार्थ बाहर आ गए हैं। एलियास इसे खाने को तैयार नहीं है। एक हेलमेट राइक पक्षी ये सब देख रहा है। इसके चूजे आग से बच गए हैं। इनकी पारिवारिक बस्तियों में सारे वयस्क मिलकर मुखिया मादा के चूजों को पालते हैं। इसलिए सारा परिवार खाने की तलाश में निकल सकता है,
जबकि कोई एक पहरेदारी करता है। इस वक्त ये झुलसे हुए कीड़े लेकर आ रहे हैं जिनमें भरपूर प्रोटीन होता है। इधर पूरब में 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ माउंट कीनिया पर बादल छा गए हैं। ये बारिश के मौसम की पहली आहट है। इस नन्हे राइनो ने कभी बारिश नहीं देखी। आसमान से पानी बरस रहा है और ये बहुत ठंडा है। इसकी मां इसे बारिश से नहीं बचा सकती। इसलिए ये बेचारा इधर उधर भाग रहा है। ये वक्त कहीं छिप जाने का नहीं है, इसलिए मां भी इसके पीछे भाग रही है और इन दोनों के पीछे भाग रही है बाकी पूरी टोली। ज्यादातर वयस्क रुके हुए हैं। वो जानते हैं कि बारिश खुशियां लेकर आती है। युगांडा में एक और लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। मलाइका एलियास को नमक की एक झील में लेकर आई है। इस गर्भवती माता को यहां बच्चे की पैदाइश से ठीक पहले जरूरी पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। ये मिट्टी को हटाकर खनिज हासिल कर रही है। एलियास इसे और नहीं खा सकेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मां ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। वो उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से ताक रहा है। जहां जहां राइनोस जाते हैं वहां वहां जाते हैं ये पक्षी। कैथी ली ग्रेट राइनोस से खाना हासिल करते हैं और मुफ्त की सवारी भी। राइनोस यहां मिट्टी को ऊपर नीचे कर देते हैं। इससे उजागर हुए कीड़े पीएपीएक पक्षी के लिए दावत बन जाते हैं। ये पिस्सुओं को भी खाते हैं। लेकिन ये सामाजिक पक्षी अक्सर अपने काम से काम रखते हैं। इनका जरा सा ध्यान भटका और किंगफिशर झपट्टा मार देता है। दोपहर को युगांडा के राइनोस आम तौर पर सुस्त आते हैं। एलियास और मलाइका करीब 5 घंटे तक अगल बगल लेटे रहते हैं। अब बच्चे की पैदाइश करीब आ रही है और इसकी नींद कम होती जा रही है।
ये कतई नहीं चाहती कि कोई दबंग नर उसके आसपास भी फटके। लेकिन ये क्या, अगस्तो यहां चला आ रहा है। गर्भवती मादा मलाइका इस हालत में नहीं है कि उसे आकर्षक लग सके, पर अगस्तो को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मलाइका घुर्रा रही है, आवाजें निकाल रही है ताकि वो चला जाए। एलियास हिम्मत के साथ आगे आया है और इस नर को चुनौती दे रहा है। आखिरकार विशाल नर वापस चला गया। एलियास का आत्मविश्वास बढ़ गया है, अब उसकी मां दोपहर की झपकी ले सकती है। केनिया में बारिश के बाद दूर दूर से मेहमान चले आए हैं। सफेद सारस यहां के ऊंचे पठारों पर आ गए हैं। बारिश के रुकते ही ये कीड़ों, छिपकलियों और छोटे स्तनपाई जीवों का शिकार करते हैं। ये करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए हैं ताकि इस मौसम का फायदा उठा सकें। ये पक्षी यूरोप में शायद ही कभी झुंड में नजर आते हैं। जाहिर है कि राइनो के बच्चे के लिए तो कईयों की मदद लगेगी। पता नहीं किस संकेत पर इतने सारे पक्षी अचानक उड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनकी मदद की जरूरत कहीं और है। मलाइका को दर्द उठा है और वो जाग गई है। अब बच्चा पैदा होने को है। आमतौर पर एलियास दोपहर की नींद के बाद मां से पहले जागता है, लेकिन आज उसे मां ने जगाया है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसने इसे दूर खदेड़ दिया है। अभी तक मलाइका के सारे बच्चे आसानी से पैदा हो गए थे, लेकिन इस बार उसे बहुत जोरदार दर्द हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ये बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, पैर पहले बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मलाइका से दर्द सहा नहीं जा रहा है। आमतौर पर मादा राइनो लेट कर बच्चे पैदा करती हैं, पर मलाइका खड़ी है और यह बच्चा सीधा नीचे गिरा है।
इसमें कोई हरकत नहीं हो रही है। आखिरकार वो थोड़ा हिला डुला है। नन्ना पीपो खड़ा होना चाहता है पर वो बेचारा झाड़ियों में फंस गया है। मलाइका अपने बच्चे को आजाद करने में जुटी है। अगर पीपो को जिंदा रहना है तो उसे जल्दी से जल्दी मां का दूध पीना होगा। लेकिन अपनी मां तक पहुंचने की हर कोशिश, खड़े होने की हर चाहत उसे और कमजोर बना रही है। जैसे ही वो किसी तरह खड़ा हुआ है, एलियास लौट आया है। वो बहुत धीरे धीरे हांफ रहा है ताकि कोई भी डर ना जाए। एलियास घंटों तक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वो एकदम सही वक्त पर आया है जब पीपो पहली बार मां का दूध पी रहा है। लेकिन मलाइका ने एलियास को फिर से दूर खदेड़ दिया है। अब उसका नवजात बच्चा सुकून से दूध पी सकता है। दूध का हर घूंट इस बच्चे के बचे रहने की उम्मीद बढ़ा रहा है। जब ये पहली बार मां का दूध पी लेगा तो मलाइका आराम कर सकती है। पर एलियास फिर वापस आ गया है। वो बहुत बेचैनी से फुसफुसा रहा है। उसकी जगह इस नन्हे पीपो ने चुरा ली है। एलियास थक गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो रोते रोते सो गया है। पूरब में कीनिया में बारिश से मुस्कुरा रहे ऊंचे पठारों पर सूरज उग रहा है। यहां तक कि सबसे कांटेदार झाड़ियों में भी फूल खिल उठे हैं। यहां चारों तरफ ताजा मीठी रसीली घास की भरमार है। इसकी एक वजह है राइनो का गोबर जो खाद का काम करता है। राइनो जहां लीप करते हैं वो सिर्फ खाद का ही काम नहीं करता। जानवर इस जगह का शानदार इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके लिए ये ढेर मचान है तो इनके लिए है आरामदायक बिस्तर। जब
जंगल का राजा भी यहां आराम फरमाता है। राइनो बहुत ही धीरज वाले होते हैं और बहुत ही नरम मिजाज वाले। अगर इनके टॉयलेट पर किसी और का कब्जा दिखे तो वो दूसरी जगह खोजने चले जाते हैं। राइनो के गोबर में तरह तरह के कीड़े पलते हैं और इन्हें खाकर कई जीव जिंदा रहते हैं। कुछ को तो बस यहां से नमी चाहिए होती है, जबकि कुछ गोबर की छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और उन्हें लुढ़काकर अंडे देने के लिए बनाए अपने घोंसलों में ले जाते हैं। राइनो के लिए गोबर का पहाड़ उनका नोटिस बोर्ड होता है। यहां आकर उन्हें पता चलता है कि यहां कौन कौन आया था और उन सबकी जिंदगी में क्या चल रहा है। नर राइनो यहीं से पता लगाते हैं कि क्या कोई मादा मिलन के लिए तैयार है। दूसरे नर राइनोस को यहां से दूर खदेड़ने के लिए वो यहां अपनी एक जोरदार निशानी छोड़ जाते हैं। ताकि सबको पता चल जाए कि दूरी रखने में ही भलाई है। युगांडा में पीपो का पहला दिन पलक झपकते ही बीत गया है। मलाइका घास खा रही है और पीपो पास ही आराम कर रहा है। मां चरती रहती है और राइनो के बच्चे सो जाते हैं। उनका एक कान अपनी मां की आहट लेता रहता है। जब मां यहां से जाने लगती है तो बच्चा फौरन उठकर पीछे चलने लगता है। पीपो को अपने भाई की आवाज भी सुनाई पड़ी है। एलियास मलाइका को यह यकीन दिलाना चाहता है कि वो अभी भी अपनी मां के पास रह सकता है। पर पास रहने के चक्कर में वो बड़ी गड़बड़ कर रहा है। उसकी वजह से नवजात पीपो की नींद बार बार खुल जा रही है। अब जब पीपो जाग गया है तो वो अपनी मां का दूध पीना चाहता है। इसकी मां का दूध इतना पोषक है कि उसका वजन हर दिन 2 किलो तक बढ़ सकता है। एलिया सीख चुका है कि जब छोटा भाई दूध पी रहा हो तो शोर नहीं मचाना है, लेकिन धीरज रखना सबसे मुश्किल काम है और पीपो का ध्यान बार बार पट जाता है। धीरे धीरे मलाइका अपने दोनों बच्चों को अलग करती है, लेकिन पीपो को भी अपने बड़े भाई के साथ रहने में मजा आ रहा है।
अब मलाइका एलियास को खदेड़ रही है। पीपो भी काफी बदमाश हो गया है। एलियास अपने भाई को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, पर होता यही है कि बार बार एलियास ही मुसीबत में पड़ जाता है। शाम ढल रही है। मलाइका की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। वो आखिर कैसे अपने बेटों को यह समझाए कि जरा सा ध्यान भटका और नन्ना पीपो मुसीबत में पड़ सकता है, खास तौर पर शाम ढलने पर। आमतौर पर तेंदुए राइनो के बच्चों को नहीं खाते हैं, लेकिन यह बात नवजात बच्चों पर लागू नहीं होती, इसीलिए यह तेंदुआ पीपो पर नजर रखे हुए है। ये परिवार हमेशा एक दूसरे के एकदम करीब रहता है। और ऐसे में तेंदुए का कामयाब होना मुमकिन नहीं है। रात को किसी वक्त मलाइका एलियास को अपने करीब सोने का मौका देती है, और सन्नाटे के इस पल में यह लग रहा है कि शायद ये परिवार एक साथ रह सकता है। एलियास कोशिश कर रहा है कि वो कोई भी आहट ना करे ताकि नन्ना पीपो दूध पी सके। पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया है। मलाइका को एलियास से नाता तोड़ना ही पड़ा।
अगर बड़ा भाई लगातार आसपास रहा तो पीपो हिफाजत से बड़ा नहीं हो सकेगा। शुक्र है कि मलाइका ने अपने बेटे एलियास को यहां चढ़ने की सारी अच्छी जगहें बताई हैं और वो यहां के सारे राइनोस को भी जानता है। जल्दी ही वो किशोरों की टोली में शामिल हो जाएगा, नर और मादा किशोर जो साथ साथ बड़े हो रहे हैं। इस बीच बारिश ने कीनिया के इन पठारों पर हरियाली की चादर फैला दी है। और अब जानवरों का जोश भी उछाल मारने लगा है। ढाई टन वजनी एक नर एक टन की मादा पर सवार है, वो भी एक घंटे तक। नर को दो तीन बार कोशिश करनी पड़ती है। उसकी ये कोशिश तब रंग लाएगी जब इस मिलन से पीपो जैसा प्यारा सा बच्चा पैदा हो सकेगा। पीपो रोजाना और मजबूत बनता जा रहा है, खास तौर पर सुबह की ठंडक में उसका पीछा करना मुश्किल बनता चला जा रहा है। हर दिन वो कोई नई शरारत करने लगा है। अब यही देखिए, इसे ऊपर चढ़ने की धुन सवार है। यहां तक कि वो तरह तरह की मजेदार चीजें खाता है जो उसकी मां को भी बेहद पसंद है। कभी कभी उसकी मुलाकात अजीबोगरीब पड़ोसियों से भी हो जाती है। कभी कभी उसे ऐसे जानवर मिल जाते हैं जो दिखते तो उसकी तरह ही हैं, पर हैं बहुत अलग। इसके बाद एक दिन उसे मिल गया बूढ़ा मोजा। जाहिर है कि उसका सामना करने के लिए वो अपनी मां के सामने आकर डट गया है। पीपो दूसरी माओं के बच्चों से जान पहचान कर रहा है, क्योंकि एक दिन उसे भी दोस्तों की जरूरत पड़ेगी जब मलाइका किसी और बच्चे को जन्म देगी। जब तक वो वक्त आएगा,
पीपो को बहुत कुछ सीख लेना है। और उसे बहुत सारी मस्ती कर लेनी है। मलाइका पीपो को सुरक्षित रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। बाहरी लोगों के दखल के बाद युगांडा के एनजीओ राइनो फंड के सदस्यों और पहरेदारों को इस पार्क में आने से रोक दिया गया है। आज मलाइका, एलियास और पीपो सुरक्षित हैं या नहीं, ये कोई नहीं जानता।